हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीत शेख। आप देख रहे हैं मूवी शॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग फिल्म के फर्स्ट रिएक्शन रिव्यू के बारे में, जो फाइनली आ गए हैं। और इस रिव्यू में मैं आपको क्रिटिक्स से लेकर फैंस तक के रिएक्शन बताने वाला हूं, क्योंकि इस फिल्म को स्टूडियो की तरफ से सिर्फ और सिर्फ फैन सर्विस के लिए ही बनाया गया है। और क्या ये फिल्म उन रिव्यूज के अकॉर्डिंग फैन सर्विस देती भी है या नहीं, और हाँ, रही बात क्रिटिक्स की, तो उनकी राय क्या है इस फिल्म को लेकर, चलिए अब उन डिटेल्स पर बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो इस फर्स्ट रिएक्शन रिव्यू में सबसे पहले बात कर लेते हैं फैन सर्विस की, जो फैंस के अकॉर्डिंग इस फिल्म में भर भर कर डाली गई है। इनफैक्ट फैंस की तरफ से एडवाइस इस फिल्म को देखने की ये भी दी गई है कि अगर आपको इस फिल्म की काफी डीप मीनिंग और कैरेक्टर स्टडीज करनी है, तो उसके लिए आपको पहले मैन ऑफ स्टील और बाद में बैटमैन वर्सेस सुपरमैन फिल्म देख लेना चाहिए, क्योंकि ब्रूस वेन की स्टोरी की कंटिन्यूएशन और कैरेक्टर की डेवलपमेंट को उन्हीं फिल्म से उठाकर इस फिल्म में बिल्कुल कंटिन्यू रखा गया है। और हाँ, ऐसा ही सब कुछ हेनरी कैल्वी के सुपरमैन को भी लेकर कहा गया है। और अब आप मुझसे कहोगे कि डायना प्रिंस सैनी के वंडर वुमन की बात मैंने क्यों नहीं की। वेल, तो फैंस का दावा ये है कि लोग वंडर वुमन के इस वर्जन को देखने के बाद अपनी अलग अलग दो कम्युनिटीज बना लेंगे, क्योंकि जो वर्जन आपने पैटी जेंकिंस की नजरों से देखा है, वो एक तो PG-13 के साथ साथ एक अलग ही वंडर वुमन हमारे सामने प्रेजेंट करता है, लेकिन जैक स्नाइडर के इस वर्जन में वंडर वुमन पहले से बहुत ही ज्यादा डेडली है और काफी ज्यादा वायलेंस भी। जी हाँ, यानी कि जो लोग डायना प्रिंस को लोगों को मारते काटते हुए देखना चाहते हैं, तो ये फिल्म फैंस की तरफ से परफेक्ट एग्जांपल है कि अगर सुपर हीरोज पर कोई आर रेटेड फिल्म बननी चाहिए, तो उन्हें किस तरीके से लोगों के सामने बनाकर प्रेजेंट करना चाहिए। अब मैं यहाँ पर बड़े टीम अप की मूवीज की बात कर रहा हूँ, डेडपुल की नहीं और ना ही लोगन की, क्योंकि मार्वल का यूनिवर्स अलग है और DC का अलग। और रही बात कंपैरिजन की, तो फैंस ने या फिर कहो कुछ फैंस ने ये कहा है कि जिस तरीके की फिल्म अवेंजर्स थी, जॉर्ज फेडन ने वैसा ही वर्जन 2017 की जस्टिस लीग फिल्म को लेकर बनाया था, लेकिन ये फिल्म उन सब से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। और ये फिल्म अगेन फैंस के अकॉर्डिंग टीम अप किस तरीके से बनाया जाता है, उसे बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करती है, यानी कि यहाँ पर भी बात कैरेक्टर की डेवलपमेंट की ही की जा रही है। उसके बाद कैमियो को भी लेकर बात की गई है फैंस की तरफ से, और साथ ही साथ अब काफी ज्यादा रिक्वेस्ट इस फिल्म के यूनिवर्स को कंटिन्यू करने की भी की जाएगी, खास करके बैटमैन की उस नाइटमेयर की ड्रीम को। अब मुझे पता नहीं कि फैंस एक्चुअल में किन चीजों का हिंट दे रहे हैं, क्योंकि फिल्म 18 तारीख को रिलीज होने के बाद ही पता चलेगी कि कैसी बनाई गई है। लेकिन जिस तरीके से फैंस के रिएक्शन इस फिल्म को लेकर निकल कर आए हैं, वो चीज इन बातों को तो बिल्कुल क्लियर तरीके से साफ कर देते हैं कि ये फिल्म फैंस को एक बहुत ही अच्छी सर्विस देने में पूरी तरीके से कामयाब हुई है। और ऊपर से स्टीफन वुल्फ जैसे विलन को भी लेकर इस फिल्म में एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट किया गया है। इसके अलावा फिल्म की असल जान रे फिशर के कैरेक्टर साइबोक को बताई गई है, और उसकी लिखी गई पूरी की पूरी स्टोरी भी, और अगेन उसमें भी फोकस बेटे की स्टोरी पर बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया है। और लोग सबसे ज्यादा सरप्राइज इज़रा मिलर के कैरेक्टर यानी कि फ्लैश को लेकर भी हुए हैं, क्योंकि जहां जॉर्ज फेडन के वर्जन में इज़रा मिलर को काफी कॉमिक कैरेक्टर बनाकर रख दिया गया था और उसकी सुपर पावर स्पीड है, यही बताया गया था, लेकिन ये फिल्म उन सब की बिल्कुल अलग ही डिटेल हमारे सामने प्रेजेंट कर रही है। और उसके बाद बात करें फैंस की एक और एडवाइस की, तो उनकी तरफ से एडवाइस ये भी दी गई है कि अगर आप कॉमिक बुक से ही DC के यूनिवर्स के डाई हार्ट फैन बने हो, तो आपको यही वर्जन देखना चाहिए जॉर्ज फेडन का बिल्कुल नहीं। और जो बाकी की मासस ऑडियंस है, उनके लिए ये फिल्म बिल्कुल भी ध्यान में रखकर बनाई नहीं गई, यानी कि मासस ऑडियंस इस फिल्म को देखकर डेफिनेटली बोर होने वाली है फैंस के अकॉर्डिंग। और फैंस का ये कहना है कि उनके लिए जॉर्ज फेडन का ही वर्जन ठीक रहेगा, जो काफी फास्ट पेस पर चलता है। और वही जैक स्नाइडर की ये फिल्म 4 घंटे का अच्छा खासा टाइम लेकर आपको स्टोरी बहुत ही अच्छी तरीके से और काफी डीप में एक्सप्लेन करती है, जो बहुत बहुत ज्यादा डार्क है। वेल, तो फैंस के ऐसे रिएक्शन से तो मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ अब इस फिल्म को देखने के लिए, क्योंकि इनसे हटकर अगर क्रिटिक्स की बात करें, जिन्होंने पहले ये दावा नहीं किया था कि जैक स्नाइडर जैसी फिल्म एग्जिस्ट नहीं करती है, तो उनके अकॉर्डिंग जैक स्नाइडर का ही वर्जन जॉर्ज वेडन के मुकाबले में काफी ज्यादा अच्छा है। हालांकि कहानी में ऐसे कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, लेकिन उसे प्रेजेंट करने का तरीका जैक स्नाइडर का बहुत ही ज्यादा बेटर है जॉर्ज वेडन के मुकाबले में, ये चीज बिल्कुल साफ है। और उसके अलावा बाकी जो ऑडियंस है जिन्हें जैक स्नाइडर के वर्जन के बारे में नहीं पता, तो उन लोगों के लिए ये फिल्म टोटल टाइम वेस्ट के अलावा और कुछ नहीं, जिसे देखकर वो लोग बोर होंगे और यही कहेंगे कि हमने जो थिएटर में फिल्म देखी थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी, ये नहीं। लेकिन अब तक जितने भी क्रिटिक्स की मैंने डिटेल पढ़ी है, उनकी डिटेल में इस फिल्म को अच्छा ही कहा गया है और उसके स्कोर भी हर क्रिटिक्स अच्छे ही दे रहे हैं। लेकिन आ जाए उन लोगों पर जिनके अकॉर्डिंग जैक स्नाइडर कट एग्जिस्ट नहीं करता था, उन लोगों की नजर में ये फिल्म अब भी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। रीजन आप सभी को काफी अच्छी तरीके से पता है, जिसे मैं सिंपली कहूंगा कि उन सभी लोगों की जल गई है, इसलिए शायद वो क्रिटिक्स इस फिल्म को लेकर कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं। वेल, तो ये थे फर्स्ट रिएक्शन रिव्यू क्रिटिक्स और फैंस की तरफ से
जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग फिल्म को लेकर कि अब उन सभी की नजर में इस फिल्म की वैल्यू कितनी ज्यादा बड़ी है और कितनी नहीं। तो अब आपकी क्या राय है इस फर्स्ट रिएक्शन रिव्यू को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इससे अब आपकी एक्साइटमेंट का लेवल कहां पर पहुंच गया है इस फिल्म को देखने के लिए। और इसके अलावा अगर आपको मेरी यह मेहनत जरा सी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीत शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होता यह है कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करता हूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।